हाय फ्रेंड्स, मैं करमजीत कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ k.singh क्लासेस, आज आपके सामने फिर आया हूँ। देखो दोस्तों, आजकल के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आर्ट्स के क्वेश्चन कम आते हैं। पहले आर्ट्स के ज़्यादातर क्वेश्चन आते थे, तो अब के एग्ज़ाम में देखा गया है कि आर्ट्स के क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री के, सिविक्स के, इन सबसे क्वेश्चंस कम आते हैं, साइंस सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन लगातार देखने को मिलता है कि फिजिक्स में टेम्परेचर से क्वेश्चन आता है कि सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करते हैं तो क्या होता है, केल्विन को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो क्या होता है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो टेम्परेचर के लिए चार पैमानों में संबंध के लिए मैंने आज सोचा कि एक वीडियो अपलोड करूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर से कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें दो बातें होती हैं, एक होता है हिमांक बिंदु। तो जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, जैसे हिमांक बिंदु जो लो टेम्परेचर होता है, जैसे उसे को हिमांक बिंदु कहते हैं। तो सेल्सियस में हिमांक बिंदु जो होता है वो होता है 0 डिग्री। सेल्सियस में हिमांक बिंदु 0 डिग्री होता है और भाप बिंदु जो होता है वो 100 डिग्री होता है। अगर फ़ारेनहाइट लें तो हिमांक बिंदु जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और भाप बिंदु जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह अगर हम केल्विन में लें तो 273 केल्विन हिमांक बिंदु और 373 केल्विन भाप बिंदु। तो ये तो हिमांक बिंदु और भाप बिंदु की बात हुई। अब हम इसका रिलेशन लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो मैं रिलेशन इन चारों पैमानों के टेम्परेचर के इन चारों पैमानों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि रिलेशन क्या होता है। C-0/100 = F-32/180 = K-273/100 = R-0/80। ये रिलेशन होता है। अगर मैं इसको चेंज करूं तो यदि कहा जाए कि C = 20, C = 200, C = 200, फाइंड द वैल्यू ऑफ F, क्या होगा? तो सीधा मान रखना है, तो रिलेशन पहले देखना है, C-0/100 = F-32/180। पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1, देन C = 2/100 = F-32/180। = 360 + 32 = F. F = 263,9392. यदि पूछा जाए कि C और
के में रिलेशन निकालने के लिए, रिलेशन सी इक्वल टू 400 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें पता है सी माइनस ज़ीरो बाय 100 इक्वल टू के माइनस 273 बाय 100। सी का वैल्यू दिया हुआ है 400 बाय 100 इक्वल टू के माइनस 273 बाय 100। ये ख़त्म हो गया, तो के इक्वल टू 673, दिस इज द वैल्यू। इसी तरह से रिलेशन निकलता है, यदि कह दिया जाए कि फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन, तो फॉर्मूला है एफ माइनस 32 बाय 180 इक्वल टू के माइनस 273 बाय 100। इसी तरह निकलते हैं वैल्यू, ये 0, ये 0, ये 2918, 2510। तो एफ माइनस 32 बाय 9 इजकल टू के माइनस 273 बाय 5। ये रिलेशन है। तो उम्मीद है कि आपको हेल्प मिल जाएगा इन फॉर्मूला से। यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि परम शून्य क्या होता है। परम शून्य, एक बात बिल्कुल जान लीजिए कि उच्च सीमा हाई टेम्परेचर का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन लो टेम्परेचर का लिमिट है। हाई टेम्परेचर का कोई लिमिट नहीं है, लो टेम्परेचर का लिमिट है। जो सबसे लो टेम्परेचर